आयाज है और क्या नाम आपने बताया? और सफीक अहमद है। तीन लोगों से मेरी बात हो गई है। आप लोग जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके गांव में यद्यप कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, इस नाते काफी दहशत का माहौल है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, कोई निकल नहीं रहा है। आपके पीएससी में 12 लोग अभी आइसोलेशन में है। तीन लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो प्रतापगढ़ में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप बहुत दहशत में न रहें। आप सारे लोग आइसोलेशन का पालन कर रहे हैं, भय के मारे पालन कर रहे हैं, और जिनको कुछ भी नहीं है वो भी जांच के लिए डरे हुए हैं। प्रधान जी हमसे कह रहे हैं कि हम खुद आकर के आगे बढ़ के जांच करा रहे हैं कि लोगों के मन से भय खत्म हो जाए। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग घरों में बंद हैं, कोई आदमी यहां नहीं दिख रहा है। एक अच्छी बात है कि सरकार के निर्देश का पालन हो रहा है, लेकिन आप भय के मारे एकदम और ज्यादा बीमार न हो जाएं। इसलिए आवश्यक है कि आप में से जो लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिन्हें लगातार फीवर आ रहा है, कई दिनों से बुखार है, सूखी खांसी है और सांस उखड़ रही है, ऐसे बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को अवश्य चेकिंग के लिए आपके यहाँ से मुश्किल से 200 गज पर पीएचसी है, वहाँ चेक करा सकते हैं। और डॉक्टर साहब अगर उचित समझेंगे तो इसे आपको जिला अस्पताल या जहाँ भी उचित इलाज होगा भेजा जाएगा। तो मैं आप लोगों से पुनः अपील कर रहा हूँ, भयभीत न हो, जो भी सरकार के निर्देश है उसका पालन करिए, और कोई समस्या है तो मोबाइल के माध्यम से 108 नंबर की सेवा से अपने यहाँ के गांव में ही स्थित पीएससी से संपर्क करके दूर करें। धन्यवाद।